स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस और टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आपका स्वागत करता हूँ आज के शो फ्यूचर फ्राइडे में। आज हम लोग बात करेंगे एंटी मैटर के बारे में, तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले समझिए यहाँ पे हम लोग बात किस चीज़ का कर रहे हैं। यहाँ पे बात कर रहे हैं एंटी मैटर का, तो मतलब क्या होता है? तो आप मैटर लीजिए, मैटर का मिरर इमेज को हम लोग एंटी मैटर कहते हैं। मतलब जिस तरह से मैटर है एंटी मैटर भी एग्जैक्टली वैसे ही होता है, बस उल्टा होता है। तो इसका मतलब और गहराई में समझने के लिए आप ये समझिए कि हमारी दुनिया जो है, ब्रह्मांड जो है, ये एटम से बना है। वो एटम के अंदर जाएंगे तो आपको एक अलग तरह का पीरियोडिक टेबल मिलेगा, जिसे हम लोग कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स में सारी प्रॉपर्टीज होती है, जो भी ब्रह्मांड का प्रॉपर्टीज है क्वांटम लेवल पर अगर आप उतारते हैं तो वो यहीं आपको एलिमेंट्री पार्टिकल्स में मिलेगा, जिसमें फोटॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मुऑन्स होंगे, ग्लूऑन्स होंगे, ये सब आपको यहाँ पे मिलता है। तो यही उल्टे होते हैं। मतलब ऐसा नहीं होता कि एटम है तो एटम उलट गया, उसके अंदर जो ये सब एलिमेंट पार्टिकल है यहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं, मतलब एकदम कोर लेवल पे फ्लिप हो जा रहा है हर चीज़ का। और जब मैं इसका बोल रहा हूँ कि सब एटॉमिकल पार्टिकल्स चेंज हो रहे हैं, तो हो क्या रहा है उसमें, ये समझिए उनका चार्ज, जैसे जिसमें पॉजिटिव चार्ज था वो नेगेटिव हो जा रहा है, जिसमें क्लॉकवाइज रोटेशन था उसमें काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन हो जा रहा है, यही उसका मतलब होता है। तो इलेक्ट्रॉन जो है पॉजिट्रॉन बन सकता है, यानी कि एंटी इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन जैसा ही रहेगा लेकिन उसमें चार्ज उल्टा रहेगा। फिर बात करते हैं प्रोटॉन, प्रोटॉन बन जाता है एंटी प्रोटॉन, जिसमें नेगेटिव चार्ज आ जाता है। फिर न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन में क्लॉकवाइज स्पिन होता है, वो काउंटर क्लॉकवाइज स्पिन पहुंच जाता है एंटी न्यूट्रॉन में। इसी के बारे में हम लोग बात करें, बाकी सारा चीज सेम है। मतलब अगर आपको एंटी मैटर का ब्रह्मांड मिल जाए, कुछ आपको फर्क नहीं पता चलेगा, एग्जैक्टली सेम होगा। बस आपके पास अगर मैटर का सैंपल है, तब उस सैंपल के अगेंस्ट अगर आप कंपेयर करेंगे, अरे इलेक्ट्रॉन में तो अलग चार्जेस हैं, प्रोटॉन में अलग नौटंकी है और न्यूट्रॉन भी अलग तरीके से स्पिन कर रहा है, ये समझना बेहद जरूरी है। एकदम फंडामेंटल लेवल पे ये चेंजेस होते हैं। अब इसकी हिस्ट्री समझने की कोशिश करते हैं। ये समझिए 1928, यानी कि बहुत पहले, पॉल डिराक ने इसका इक्वेशन बनाया, जिसे डायरेक्ट इक्वेशंस कहा जाता है। तो ये बहुत एडवांस मैथमेटिक्स है, ऑब्वियसली क्वांटम फिजिक्स के लेवल का है। और मतलब ये बंदे इतने पहुंचे हुए थे कि जब आइंस्टाइन के टाइम में ये थे, तो आइंस्टाइन को समझने में दिक्कत हो रहा था। भाई आइंस्टाइन मतलब, लेकिन इनके बारे में क्या लिखे आइंस्टाइन लेटर में, वो आपको मैं कहूँगा गूगल कर लीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। तो मतलब पहुंचे हुए आदमी थे, और इन्होंने मैथमेटिकली बताया कि ठीक है, हमारा मैथमेटिक्स के हिसाब से ये होना चाहिए। ठीक है, आपने मैथ बोल दिया, क्या वो हकीकत है कि नहीं कैसे जानेंगे? तो उसके बाद डिस्कवरी हुआ एक्चुअल पॉजिट्रॉन का, वो हुआ 1932 में बाय कार्ल डेविक एंडरसन के द्वारा, वेपर चेंबर में हुआ। वेपर चेंबर हम लोग जनरली बनाते हैं पार्टिकल का इंट्रैक्शन देखने के, कहने को आप घर में भी बना सकते हैं, लेकिन ये लोग स्टडी करने के लिए कर रहे थे, तो ऑब्वियसली फोटोग्राफ भी ले रहे थे, प्लस इसमें मैग्नेट डाला हुआ था ताकि मैग्नेटिक फील्ड का इंट्रैक्शन देख सकें। तो वहीं से इनको पता चल गया कि प्रोटॉन अगर होता, प्रोटॉन का अगर ये लोग देख रहे थे, तो प्रोटॉन का बिहेवियर अलग होता, इलेक्ट्रॉन में स्पिन उल्टा आने से अलग बिहेवियर आएगा। इसीलिए कंफर्मेशन पहली बार हुआ, इसीलिए फोटो आपको हर जगह देखने को मिल जाएगा एंटी मैटर के केस में, क्योंकि इसी से पहली बार समझ आया, नहीं ये मास इलेक्ट्रॉन जितना है लेकिन इसका चार्ज उल्टा है। तो ये समझिए बहुत पहले से हम लोग इसका फाउंडेशन रख लिए मैथमेटिकली, मतलब मैथ पहले बताया, बाद में जब चेक कर लिया, उसके बाद एक एक करके पहली बार इलेक्ट्रॉन का सबसे आसानी से मिला, फिर प्रोटॉन का मिला, फिर न्यूट्रॉन तक का मिल गया, मतलब हम लोग को वो तीनों मिल चुका है कोर लेवल पे। अब बात करते हैं, ये एक बहुत बड़ा रहस्य है, एक पजल है, क्योंकि अगर आप मैटर लेते हैं, एंटी मैटर लेते हैं, इसे मिलाते हैं तो आपको मिलता है जीरो, शून्य, जीरो, नथिंग, कुछ नहीं। तो वो सेंस बनता है, क्योंकि हमारा ब्रह्मांड बिग बैंग में शुरू हुआ है, तो उसका मतलब हो रहा है कि जीरो से में से कुछ स्टार्ट हुआ है। ठीक है, मैटर और एंटी मैटर मिलकर जीरो हो जाता है, ये बात एकदम सही है, चलो ये चेक कर चुके हैं, प्रूफ कर चुके हैं, सब चीज़ सही है। लेकिन किसी कारण से बिग बैंग स्टार्ट हो गया और जीरो में वापस नहीं गया, यानी कि जब क्वांटम फ्लक्चुएशन हुआ, उससे जो इन्फ्लेशन फेजेस आए, डार्क एजेस आए, गाड़ी आगे बढ़ते गई, गाड़ी वापस जीरो पर नहीं चली गई, क्योंकि मैटर और एंटी मैटर मिलकर जीरो हो जाना चाहिए था। ये कैसे हो गया? यही है सबसे बड़ा सवाल, कि मैटर और एंटी मैटर में अनबैलेंस जो आया, यानी इम्बैलेंस जो था, वो कहाँ से आ गया? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, पूरा बिग बैंग यहां पे जाके लटक गया है, कि हमें यही नहीं समझ में आ रहा कि ठीक है, बिग बैंग तक का हमारे पास एविडेंस है, मतलब एक्चुअल सैटेलाइट डेटा, मेजरमेंट्स, सब चीज मिल जा रहा है, हम लोग को बता रहे हैं बिग बैंग हो। और ये भी समझ में आ रहा है एकदम क्वांटम लेवल पे, समझे कि रियल लाइफ में कुछ रियल नहीं होता है, वो सिर्फ वाइब्रेशन होते हैं, तो एक टाइप का वाइब्रेशन को हम लोग मैटर कहते हैं, तो इसका उल्टा भी होना चाहिए। ठीक है, एंटी मैटर भी मिल गया, अब हिसाब ये बनता है कि बिग बैंग में ये दोनों बने, एकदम बम बम बात है, लेकिन किसी कारण से मैटर जो है
टिका रह गया, एंटी मैटर खत्म हो गया, मतलब 2+2- जो था वो किसी तरह से अनबैलेंस हो गया, मतलब को एक 3 हो गया या एक 1 हो गया, यहीं पे हम लोग यहीं लटके हुए हैं कि ये इनबैलेंस कहाँ से हुआ है। तो इसीलिए समझिए कि हमारा मैटर है, यानी कि एंटी मैटर कम था। और ये बात समझिए, दूसरे ब्रह्मांड में ये उल्टा भी हो सकता है कि वहाँ पर एंटी मैटर से बनाओ और वो लोग यही सवाल सोच रहे होंगे कि मैटर क्या हुआ। और ये समझिए, मैटर और एंटी मैटर बोलना हमारे लिए होता है, मतलब ये रिलेटिव टर्म है, हमारे पास मैटर पहले आया तो मैटर बोल रहे हैं, एंटी मैटर मैटर एक साथ तो हो रहे नहीं सकते। तो हमेशा जो भी उस बिग बैंग में होगा, जो भी उस पॉकेट यूनिवर्स में होगा, उसके अंदर एक ही रूल लगेगा कि एक है एक मिसिंग है। तो ये अनबैलेंस कहाँ से आ रहा है, तो ये बहुत बड़ा पजल है, इसको समझना मतलब बहुत जरूरी है, क्योंकि ये समझ जाएंगे तब एक्चुअली वो समझ जाएंगे जीरो से ब्रह्मांड आ रहा है, ये समझ में आ रहा है। इक्वेशंस भी आ जा रहे कि मैटर और एंटी मैटर मिलकर दोबारा जीरो हो जाता है, तो यानी जीरो का इक्वेशन सेफ है, बैलेंस है, लेकिन अनबैलेंस कहाँ से हो गया तब, वही बात है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अब बात करते हैं एनर्जी के तौर पे, एंटी मैटर के बारे में बात कर रहे हैं। तो आइंस्टाइन ने बताया कि मैटर और एनर्जी एक तरह से गोतिया भाई है, तो उस गोतिया भाई का रिलेशन को फिगर आउट करने के लिए हम लोग बोलते हैं E=MC², ये आप सब लोग पढ़े ही होंगे। अब यही समझिए कि मैटर और एनर्जी आप एक्सचेंज कर सकते हैं। तो अगर आप फिजन करते हैं, यानी कि जो हम लोग अभी न्यूक्लियर पावर प्लांट पर करते हैं या हिरोशिमा पे नागासाकी पे किया गया, यूरेनियम लेते हैं, यूरेनियम-235 लेते हैं, तो अगर इसको आप फैक्टर डालते हैं कि ठीक है इसमें कितनी एनर्जी आ रही है, तो उसे 1 मान के चलिए, 1x पावर आपके पास मिल रहा है। तो क्या होगा अगर आप हाइड्रोजन पे चले जाएं, ठीक है, तो हाइड्रोजन पे आपको 7x मिलेगा, वो बहुत ज्यादा एनर्जी देता है। अब बात करते हैं नॉर्मल न्यूक्लियर रिएक्शंस, यानी ये फ्यूजन और फ्यूजन्स कितना परसेंटेज मास को कन्वर्ट कर रहा है, यानी एम में कितना परसेंट जा रहा है। तो अगर आप लेते हैं 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम का 0.1% चेंज होगा एनर्जी में, यानी कि बहुत इफिशियंट नहीं होता है। और न्यूक्लियर वॉरहेड को यहां तक पहुंचाने में रो देते हैं मिलिट्री जनरल्स, बहुत बहुत मुश्किल होता है, मतलब मैथमेटिकली होना और रियल लाइफ में एक्चुअल फ्यूजन हो जाना सही से वो बहुत मुश्किल बात होती है, लेकिन आप एवरेज मान के चलिए 0.1% कन्वर्शन मिलता है। अब वहीं पे अगर आप जार बम्बा के बारे में बात करें, जैसे कि हाइड्रोजन वेपन्स हो जाते हैं, वो 0.4 तक चले जाते हैं। तो अब आप नोटिस करेंगे कि भैया हम लोग अभी तक 1% भी नहीं पहुंचे और इतनी ज्यादा एनर्जी निकल रही है उससे, यही बात है E=MC² में जो सी पे स्क्वायर लगता है ये इतना बड़ा तिगड़म कर देता है। तो न्यूक्लियर सिस्टम के बारे में आप समझ लीजिए, टोटल इफिशियंसी अगर आप देखें तो 0.1% से लेकर 0.4% का मास टू एनर्जी कन्वर्शन हो रहा है, तो ये बहुत कम है। अब एंटी मैटर तिगड़म ये लेता है कि एंटी मैटर 100% करता है, तो इसीलिए समझिए कि जैसे केमिकल से न्यूक्लियर अलग लेवल पर एनर्जी आ जाता है, न्यूक्लियर से अलग लेवल पर एंटी मैटर पहुंच जाता है, यही इसीलिए इसमें अभी भी टैप्ड पावर है, मतलब इस पावर लेवल पे हम लोग जनरली डील नहीं करते हैं, क्योंकि वो 100% करता है अगर उसे उसके बराबर मात्रा के मैटर से मिक्स कर देते हैं। यानी कि अगर आप 1 ग्राम एंटी मैटर लेते हैं तो उसको आपको मिक्स करना पड़ेगा, उसको 1 ग्राम एंटी मैटर को 1 ग्राम मैटर से मिक्स करेंगे तब आपको 100% एनर्जी मिलेगा 2 ग्राम मैटर का, यानी कि आपका एम का वैल्यू वो हो जाएगा 100%, मतलब आपको ये नहीं देना परसेंट कितना बच रहा है, कितने सब पार्टिकल्स है, नहीं, प्योर गामा रेज मिलेंगे, प्योर मतलब एकदम शुद्ध फोटॉन्स ही मिलेगा आपको, कुछ और नहीं मिलने वाला। तो ये बहुत हाई लेवल का बात कर रहे हैं, मतलब समझ लीजिए 0.1 0.4 पे हम लोग जनरली डील कर रहे हैं, और वो इतना बड़ा बात है, और वो 0.0 की जगह पे सीधे 100 हो जाए, मतलब समझ रहे, मल्टीपल टाइम्स है, मतलब केमिकल में जो एनर्जी होती है उसे 10 माने तो मिलियन पे आएगा, ये क्या बोलते हैं आपका न्यूक्लियर आ जाएगा, उससे भी कई गुना हो, यानी ट्रिलियन के ऊपर चले जाएंगे तब जाके आप एंटी मैटर के लेवल पर पहुंच रहे हैं। तो ये एनर्जी के मामले में हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त है, और साइंस के मामले में इससे ऊपर जाना लगभग नामुमकिन है। तो ये समझ लीजिए एनर्जी के मामले में एकदम सॉलिड है। अब एक चीज़ समझना बेहद ज़रूरी होता है, इसे बनाते कैसे हैं, और यहीं पे आम लोग फिसल जाते हैं थोड़ा। इसमें एनर्जी है ये बात एकदम शत प्रतिशत सही है, लेकिन ये एनर्जी सोर्स नहीं है, यानी कि जैसे आप यूरेनियम जमीन से निकालते हैं या ड्यूटेरियम या ट्रिटियम निकालते हैं, ये सब में बिग बैंग से, स्टार का कोलिजन से, हाइपरनोवा से, सुपरनोवा से, किलर नोवा से एनर्जी उसमें ट्रैप है, आप उसे निकाल रहे हैं। एंटी मैटर केस में आप एंटी मैटर बना रहे हो, एंटी मैटर एनर्जी कैरियर है ना कि एनर्जी सोर्स, मतलब उससे आपको एनर्जी नहीं मिल रही, आप उसको चार्ज कर रहे हैं, मतलब आप एंटी मैटर बनाने टाइम उसमें एनर्जी डंप कर रहे हो, वो एनर्जी मैटर का फॉर्म, मतलब E=MC² को उल्टा में चला रहे हो और कुछ नहीं कर रहे, बस वही है। तो ये समझना बेहद ज़रूरी है कि ये एज ए हमारे भविष्य में एंटी मैटर रिएक्टर होगा, नहीं, ये भले हो सकता है कि ये भविष्य में एंटी मैटर का इस्तेमाल करके इग्निशन के तौर पर इस्तेमाल किया जाए, जैसे अभी हमारे हाइड्रोजन बॉम्ब्स में न्यूक्लियर बॉम्ब का, मतलब एटम बॉम्ब का इस्तेमाल किया जाता है एज ए इग्निटर, मतलब मेन पड़ाका फूटता है, केमिकल बॉम्ब फूटते हैं, उससे फ्यूजन होता है, फ्यूजन होने के बाद फ्यूजन होता है, तब
जाके मेन बम बूम होता है, तो वो कर सकते हैं आराम से। काफ़ी लोग अभी डिज़ाइन कर रहे हैं कि अगर हम लोग फ्यूजन इग्निशन में बार बार प्रॉब्लम आ रहा है, बार बार इग्निशन फेल हो जाता है, तो अगर वहाँ एंटी मैटर इंजेक्ट कर रहे हैं तो गारंटीड हो जाएगा कि नहीं इग्नाइट करेगा। तो वो शायद भले हो सकता है कि एंटी मैटर से हम लोग ये कर रहे हैं, इग्नाइट कर रहे हैं, लेकिन मेन एनर्जी सोर्स नहीं होगा, वो समझिए एक तरह से कैटलिस्ट टाइप हो जाएगा। तो ये समझना बेहद ज़रूरी है एनर्जी सोर्स और एनर्जी कैरियर के बीच में। जैसे कि लोग कहते हैं कंप्रेसर से गाड़ी चला रहा है, तो गाड़ी हवा पर नहीं चल रही, गाड़ी उस एनर्जी पर चल रही है जो आपने कंप्रेसर में डाला था। तो वही समझना जरूरी है, एनर्जी कैरियर और सोर्स के बीच का अंतर समझिए। अब बात करते हैं इसे हम लोग बना जरूर सकते हैं, बनाते आ रहे हैं, आधम टाइम से टेस्ट भी करते आ रहे हैं, और पार्टिकल एक्सीलेटर यही करने देता है, लेकिन हंड्रेड्स ऑफ मेगावाट अभी हम लोग डाल रहे हैं, तो कुछ वाट मिल रहा है, वाट किलो वाट नहीं, कुछ वाट, मतलब इसका बिलियन टू वन का वेस्ट रेशियो पे चल रहे हैं हम लोग। मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी खाएगा लार्ज हैड्रॉन कलेक्टर तो थोड़ा सा बनाएगा, और इतना कम बनाता है कि अगर वो उसे लाइट बल्ब जलाने की कोशिश करें तो कुछ लोग कहते हैं एक दो घंटा चल जाएगा। तो सोच लीजिए, मतलब बहुत कन्वर्शन इफिशियंसी हमारी बहुत ख़राब है। तो इसे यही समझिए कि पार्टिकल एक्सेलेरेटर में बनाते हैं, तो अभी बहुत सारी कंपनी काम कर रही है कि इसी पे फोकस कर रही है, कि मतलब लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर में एंटी मैटर उनका साइड प्रोजेक्ट हो गया, उनका मेन काम था हिग्स बोसोन का खोजना, तो वो उसके हिसाब से बनाया गया। तो ये इंजीनियरिंग प्रोडक्ट है, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट कहना गलत होगा, ये समझिए इंस्ट्रूमेंट है, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट के, मतलब सेंसर है, हज़ार को सेंसर है, ये टेस्ट करना है, वो टेस्ट करना है, लेकिन एक होता है रियल प्रोडक्ट की फैक्ट्री बनाना अलग हो जाता है। तो इसीलिए ये बनाया नहीं गया एंटी मैटर बनाने के लिए, लेकिन अब कुछ कंपनी कोशिश कर रही है कि एंटी मैटर बनाने पे काम किया जाए जो इसी का फायदा उठाएंगे। मतलब इन्होंने फाउंडेशन डाल दिया, इसी फाउंडेशन पे एक्सटेंड करके एंटी मैटर फैक्ट्री करके कंपनी खुल रही है, वो लोग मतलब इसी टेक्नोलॉजी का जितना डेवलपमेंट हुआ, फायदा हुआ, उसका इस्तेमाल करके बना रहे हैं, और ये लोग एंटी मैटर बनाने पर ही फोकस करेंगे, इनका मेन फोकस है एंटी मैटर का। और एंटी मैटर बनाने में एक समस्या ये आता है कि एंटी मैटर आप हाई स्पीड पर जब बना रहे हो, आप बना रहे हो ऑलमोस्ट लाइट स्पीड पर, ठीक है, भिड़ाए कोई भी पार्टिकल आप भिड़ाए, उसका एंटी पार्टिकल निकला, आप उसे मैग्नेटिकली फनल किया, अब समस्या ये है कि वो जिस स्पीड पे है वो स्टेबल नहीं है, आप लाइट स्पीड पे उसके साथ छिड़खानी किए थे, तो उसे ठंडा करना सबसे बड़ा मुश्किल। अब ठंडा करने के लिए जनरली हम किसी चीज़ को इंटरेक्ट कराते हैं कि भैया तुम इस हीट सिंक पर अपनी एनर्जी डाल दो, तुम इस लिक्विड से रिएक्ट कर लो, एंटी मैटर के साथ ऐसा नहीं कर सकते। तो क्या किया जाता है, उसे पार्टिकल डीसेलरेटर में डाला जाता है, ये एक्सेलरेटर है बनाने के लिए एक्सेलरेट किया, जैसे ही बन गया तुरंत डीसेलरेट करो, तुरंत उस पर ब्रेक लगाओ, और जैसे ही वो ब्रेक लगता है तब जाके वो स्टेबल होता है, और तब जाके उसे मैग्नेटिक पिनर ट्रैप्स में उसे फंसाया जाता है, और तब जाके उस पर स्टडी होती है, और ऐसे करके हम लोग चार पांच आइटम गिन लेते हैं कि 5 2 बना लिए, 5000 बना लिए। और ये नंबर आपको सुनने में भले ज़्यादा लग सकता होगा कि 2 मिलियंस में आजकल बात होने लगा है, हम लोग मतलब काफ़ी साल से ये कर रहे हैं, एंटी मैटर फैक्ट्री काफ़ी साल से चल रहा है, और तो काफ़ी बड़े बड़े नंबर आ रहे हैं, मिलियन बिलियन, लेकिन बात यह है कि अभी भी ये इतना है कि अगर वो कंटेमिनेशन मतलब ये जो एंटी मैटर बना है कंटेनर फेल हो जाए, वो बस वो जगह गर्म हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। मतलब गामा रेज निकलेंगे, ये बात एकदम सही है, लेकिन मैंने अगर आप मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाला स्पेक्ट्रम वाला देखेंगे वीडियो, मैंने बताया फोटोन्स में दो चीज़ देखना होता है, फोटोन इस एनर्जी लेवल का बम बम गामा रेस कम बम बम है कितना है, बहुत कम है। तो वही समझिए कि हम लोग बना लेते हैं एकदम 100%, लेकिन ये एनर्जी सोर्स नहीं, कि इससे आप माइंड नहीं कर रहे हैं कि मैं खदान में खोद के कोयला निकाल ले रहा हूँ, वैसा नहीं है, ये आप बना रहे, ये बैटरी है, दुनिया का सबसे हाई डेंसिटी बैटरी है, उससे ज़्यादा ये कुछ नहीं है। और हमारा अभी इफिशियंसी ऐसा भी नहीं है कि मतलब 100 मेगावाट डाले और मतलब 90 मेगावाट निकला, वैसा नहीं है, अभी है कि गीगावाट पे गीगावाट डाले तो शायद 1 2 किलोवाट निकल जाए दूसरी तरफ, तो ये समझना बहुत ज़रूरी होता है। और कोई बना नहीं रहा मतलब, और अभी इनका मेन सर्न कोलाइडर में जो ये एंटी मैटर फैक्ट्री है, इनका काम क्या है, इनका काम है एंटी मैटर ऐसा बनाओ कि एक मतलब उसको बॉटल करके एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकें। ऐसा क्यों करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, अभी तक कोई एंटी मैटर पे रिसर्च नहीं हो पाया है, एंटी मैटर पे बस टेस्टिंग हो रही है, रिसर्च नहीं की, ठीक है ये एंटी मैटर है, ये क्या गिरने मतलब गिराने पर गिरेगा, अभी तक नहीं होता, एक दो एटम्स के साथ ये करना मुश्किल होता है, फ्री रेडिकल मूवमेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो कुछ ज़्यादा आइटम्स हो एक जगह पे रहें तब उसके साथ अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, क्या ये गिराने पे गिरेगा नहीं पता हम लोग को, मतलब मान के चल रहे हैं कि गिरेगा और बिहेवियर के हिसाब से लग रहा है, लेकिन एक्चुअल टेस्टिंग नहीं हुई है। तो यहीं पे समझिए अभी हम लोग यहीं जगह पे कि अभी एंटी मैटर से एक बत्ती भी नहीं जला सकते, और शायद भले हो कि एंटी मैटर का इस्तेमाल करके आने वाले टाइम में फ्यूजन रिएक्टर को इग्नाइट किया जाए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला। तो बात करते हैं कि भविष्य में क्या होगा, यहाँ पे जितना आप हकीकत के पास आएंगे हिसाब यह बनेगा इसका लाइकलीहुड कि इंटरस्टेलर ट्रैवल में हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे लगभग 0 के तौर पर है। ये बात एकदम 100% सही है कि वो न्यूक्लियर एनर्जी से बहुत ऊपर पे चल रहा है, 100% इक्वल टर्म्स इसको जा रहा है, यानी बम बम है, लेकिन बात यह है कि उसे स्टोर करना लगभग नामुमकिन है, और उसको बनाने में जितनी एनर्जी लगेगी वो कहाँ से लाएंगे उतनी एनर्जी, मतलब फ्री का थोड़ी मिलता है एनर्जी कहीं पर भी, लाएंगे कहाँ से, और जो भी सोर्स से आप ला रहे हैं वही सोर्स का इस्तेमाल क्यों ना कर लें सीधे। जैसे मान लीजिए आप कहीं
हीलियम थ्री का कल को रिएक्टर बनाते हैं, उस रिएक्टर से आप बोलते हैं हम एंटी मैटर बनाते हैं, तो भैया शांति से हीलियम थ्री रिएक्टर ही डाल दो ना, भले शिप थोड़ा बड़ा हो जाएगा, भले इफिशियंसी उतनी बम बम नहीं रहेगी, लेकिन टोटल सिस्टम इफिशियंसी में भी आपका बहुत ज़्यादा रहेगा। तो इसी कारण से ये भविष्य में इंटरस्टेलर ट्रैवल के तौर पर शायद इस्तेमाल हो, लेकिन प्रॉबेबिलिटी बहुत कम रखूंगा, बहुत कम। लेकिन अगर आप भावनाओं में बहना चाहते हैं तो मैं कहूँगा आइजक आर्थर का नीचे देख लें, काफ़ी साइंटिफिकली बात कर रहा हूँ, मतलब असंभव नहीं है, साइंस असंभव नहीं कर रहा, इंजीनियरिंग बोल रहा है, क्यों भाई? तो इसीलिए इंटरस्टेलर पे मैं इसे प्रोबेबिलिटी बहुत कम रखूंगा। लेकिन ये समझिए, इस पे रिसर्च पे खूब डिमांड हो रहा है, बम बम डिमांड हो रहा है, क्योंकि अगर ये समझ जाते हैं, समझ रहे हैं, बिग बैंग कौन से लोग समझ जाएंगे कि जीरो से ब्रह्मांड कैसे बना सकते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिसर्च के मामले में, पोटेंशियल बम बम है, मतलब सदी तक, मतलब जब तक हम लोग इसको सॉल्व नहीं कर ले, सदियों मतलब तक बीत जाए और हज़ारों फिजिसिस्ट का जॉब मिलता रहेगा इसके चक्कर में, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और इसका मेडिकल यूज़ है थोड़ा सा, जैसे कि यूनिक डिपार्टमेंट एक्ट होती है जिसे हम लोग कहते हैं पेट स्कैन, एमआरआई का बड़ा भाई समझ लीजिए एक तौर से, और उसमें इस्तेमाल किया जा रहा है, मतलब अर्ली टेक्नोलॉजी पे है, और उसमें बात हो रहा है कि अगर हम लोग और बेटर कर पाए तो ऐसा कर सकते हैं कि कैंसर उड़ाने के लिए, मतलब कैंसर को उड़ाने के लिए रेडिएशन मारा जाता है कई बार, एंटी मैटर से अगर पे हम लोग कंट्रोल कर लिए, डेवलप कर लिए, तो ऐसा कर सकते हैं प्रिसाइसली वहां एंटी मैटर मारे, वो ट्यूमर को उड़ा डाला बिना ज्यादा बैक, मतलब ज्यादा डैमेज नहीं होगा, मतलब अभी हमारा है कि मशीन गन मार रहे हैं, मशीन गन नहीं मारना चाहता कोई डॉक्टर आपके ऊपर, वो चाहता है स्नाइपर मारे, सिर्फ उसी को उड़ाए, सिर्फ वो ट्यूमर वहाँ है ना, बस एक एग्जैक्टली वहीं उड़ाए, तो वो करने के लिए एंटी मैटर शायद हेल्प कर सकते हैं। ये सब शायद है, थोड़ा सा लंबा है, और जो लोग पेट पर रिसर्च करते हैं, PET, ये मतलब एक मेडिकल टेक्नोलॉजी है, वही लोग आपको अच्छे से समझा पाएंगे कि एक्चुअली कर क्या रहा है, क्योंकि मतलब बहुत ज़्यादा नीचे उतर जाता है साइंस में। तो भविष्य में इंटरस्टेलर ट्रैवल बहुत कम चांस है, रिसर्च बम बम है, क्योंकि ये समझ गए, समझ रहे, ब्रह्मांड बनाने लेवल पर पहुंच जाएंगे, और मेडिकल चांसेस हैं, थोड़ा सा पोटेंशियल है। तो अब बात करते हैं, ये उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आओ, अगर ऐसा है लाइक कर दें, दोस्तों शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा, नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आए, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं, मैं कहूँगा डिसलाइक दो बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना पसंद हुआ है, मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखे, क्योंकि हर कमेंट ज़्यादा नहीं, कोशिश करता हूँ, आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई, धन्यवाद।